भैया अच्छा गुप्त इनाम हो भैया। अच्छा ये आप हमारे सियाराम परथनी के धरती से क्या बात है 21 रुपया प्रदान भैल परसनी ये भैया हनुमान जौने समय विभीषण से कहलन कि तोके हमारे भगवान राम बोलौले हमन आंख में आस आ गई विभीषण की कि कौने काज लायक हम हो गई ली प्रभु आज हमें याद कैलन जिंदगी में हमें ऐसा मौका छोड़ो एक बात तो विभीषण आ गई लन अयोध्या में प्रभु कैसे याद कैला है कहना याद कैली कि तुम्हें धोबिनिया घरे खाए के हो कहा वारे प्रभु आपके आदेश हम भोजन न करी लेकिन भोजन करो एक शर्त हो वशिष्ठ का बाप अच्छा ये आप हमारे भैया प्रकाश छतेवड़ा के धरती से आपके करकमलों द्वारा भैया 21 रुपया प्रदान भल भैया के सौ सौ बार प्रणाम बाप क्या भैया अच्छा भैया हमारे मंगला भाई के सारा हूँ मान लेते भैया हम काहे कहते कि पहने भूसरुवाइबा के अपने सार बनावत हुआ सबके सार बनावत हुआ तेरे मलकिना होगा लगा तुहा लगा ही कह कौनो बात को सरवा हमने कभी कभी याद आ जाला आप लोग यही बात पर हमारे ध्यान कभो कभो आ जा लगे का इसमें सीजन देखत हुआ चलत हो सीजन का मतलब है सरवा कुकुर बद्धी रहे बद्धी कुकुर एक पिलई के रह जाए बिहार भर रगड़ा पिलैया सोचे ठीक है हम ओके आदत ना रहे तब लेके पहुंच के दूसरा सरवा ओके का मालूम कि यो वैसा ही हो जाए सरवा टांग ले अब घुरुक के कुकुरिया जवान तोरांग तोरला से एक तुरंत वहां से एकदम गायब होके चलल पड़ा है तो भैया ऐसा कभी कभी होला सरवा बोला हम बोल जला ऐसा मैं कहवा हर जला वार खाली हो जला हमको अरे का भयल हो तो पीछे पीछे में हम तुरंत के इधर मजा पानी देते रहा थे कपड़ा जी लाइन होत रही आप लोगों के मनोरंजन ए भैया हो हनुमान विभीषण के बुला के लेके अलन कहलन कि हम बात वह हो कि कैसे याद कैला कहे हमारे के अनाज ही धुविनिया घरे खाए के हो आखिर खाए के हो तो कैसे खावा कहना एक शर्त है प्रभु जवन वशिष्ठ का बाप ब्रह्मा जवन रचले हो यह वह चीज के हम ना खाओ अभी बात फंस गई ये भाई अब का खाइन तभी कहना जवन कहना कि अब ठीक है तब तो के बदे का चाही आखिरकार में विश्वामित्र जी वो समय सहयोग कैले हुमन सहयोग कैले हुमन नई सृष्टि रचत नई सृष्टि रचत हुमन देखाय अब दिखाई है खतरा भइल भैया मंगला 21 रुपया प्रकाश भाई आप छतौरा के धरती से बतौल न कि हम मंगला का जीजा है ये भैया विश्वामित्र नहीं कृषि रचन है फिर काका रचत ये भैया हो बाप विश्वामित्र जब वही रचत हुमन तो विश्वामित्र काका रचत हुमन गोहूं रचलन सरसों रचलन ऊख रचलन नारियल रचलन और गेहूं का न चाउर और दूध इतना रचले हमन विश्वामित्र जी क्षीर सागर से दूध
अमरपुर से गेहूं मंगा लेलन और ऊख हर नारियल, अब बनल पूरी खीर। ई देखाई ब्रह्म विश्वामित्र का रचल चीज हो, न कि और दूसरे केहू का रचल हो। अब जब भोजन बनल है, भोजन बनल तैयार, तैयारी हो गई का खाए का, तेरही में विभीषण तैयार हो गए खाए बदे के। जब तैयार भेल तब का भाई भैया, अरे राम सब लोग खाए जाले भाई, सब लोग खाए जाले भाई, अरे लेकिन विभीषण का पेट ना भरत हो, जेवत कहते कहा का भट्ठा खनले हो भाई। एक दिना, दो दिना, तीन दिना ना, सात दिना विभीषण भोजन करते रह गए। आई सब भोजन लिया के दे, अरे बाप रे बाप, धुविनिया जाए के प्रभु के चरण पर गिरल कि हे स्वामी, हे नाथ, अगर इज्जत बचावे हुआ तो हमारा बचावा नहीं, अब ना बची, घरे में कुछ ना रह गयल, जितना भोजन गेहूं चार कुल चबा गई नहीं। गांव वाले जे देखे आए के रोज भगवान कहाँ का उड़चा बांध के आयल हो, कौने भक्कू में भरत है। ए भैया हो, आखिरकार में सात दिना जब थुआ भय तब भगवान राजा रामचंद्र जी पदरे पहुंच गए। विभीषण अब बंद कह दो, अब दिन खा, कहे प्रभु पेट ना भरो, कहे पेट अब रहे तो भरबो ना करी, कहना तो पनिया पिया दो, कहे पनियो ना मिली यहाँ चला, अरे कहे पनिया पियावा, कहे पनियो ना मिली, कहे वादा करा, वादा कैले हूँ भगवान रामचंद्र जी। आखिरकार में जब वादा कैलन पानी का, तो कब वादा कैलन कभी चाह पर युग में हम कृष्ण भगवान कन्हैया हो, और वही में गोवर्धन अंगुरी पर उठा ले अपने इंद्र कोप के बरसात करी अपने सुख, जितना पानी पिए तो बनी वही में पी लिया। द्वापर सत्य काना त्रेता में तुह पानी ना मिली। ए भैया वही समय विभीषण कलन ठीक प्रभु
बड़ा दिन का वादा तो कैला, लेकिन हमें सबसे बड़ी खुशी है कि तुम्हार दर्शन वो हु युग में हो ही। ए भाई तबले भेल का भवन आप हमारे भैया प्रकाश का, प्रकाश भाई के आप लड़का का लड़का मनीष भाई, ये कई सब प्रणाम भाई भैया के, सब सब प्रणाम साथ साथ सब भैया लोगों के प्रणाम नमस्कार बात इशारा है। अरे यादव यादव रे यादव, अरे यादव अरे यादव शिव पद नजरी भैया। अच्छा ये आप हमारे भैया 11 रुपया फिरतू टेलर आप विमल सुर के धरती से भैया के सौ सवा प्रणाम, साथ साथ सब भैया लोगों के प्रणाम नमस्कार बान दोनों में हरारू फिर वही से लाई, लेकिन है हमारा श्रृंगार और आन दे था का और हम दे था बतावा का बतौले बा भैया यह बतौला देला वो रहा नवा बालुआ हमर चोलिया बुरा धीरज गौतम आप जमालपुर के धरती से 31 रुपया भैया के करके मुदारा प्रदान भल है प्राणिक कला के साथ भैया के सौ सवार प्रणाम साथ साथ सब भैया लोग प्रणाम नमस्कार बात आप भैया राम आश्रय आप प्रमाणपुर के धरती से 21 रुपया प्रदान भल भैया के सौ सवार प्रणाम साथ साथ सब भैया लोग प्रणाम नमस्कार है। अच्छा भैया हम आप लोगन के एक लाइन फिर तैसे ओहरे ले चले थे लंका कोरी एक गाना में तैसे मजा फिर हम कौनो लाइन भैया को से चेंज हो जाइए आपके हकीकत हो जान आप लोगन का मान होई वो होई ऐसा कुछ ना हो कि बाबा साहेब का गाना होई भाई आप लोगों को फरमाइश है हम जानत थैला क्यों माने चाहे न माने लेकिन बाबा साहेब का आभारी पूरा देश हो
इतना बड़ा संविधान जितना उ रच के जवन चल गइलन ये धरती पर माना तो एक सिद्ध पुरुष भगवान ही बन के आल रहलन। बाबा साहेब का हम लोग बहुत बड़ा आभारी है। अगर वो ऐसा ना कह पौले होतन तो यहाँ से अंग्रेज कैसे गए होतन। एक से एक विद्वान एक से एक ज्ञानी संविधान के बनावे वाला रहलन का भावे पढ़ल लिखल रहलन, लेकिन नहीं उनके हाथे यह देश का उद्धार हो गए रहल। लेकिन हकीकत यो कि आज वो संविधान का दुरुपयोग हो रहल हो। का बतावल जाए कि कैसे हुई कैसे हो था। अरे संविधान में इतना लिखल रहल कि जेकरे दू ठे लड़का रही वह प्रधान लड़ी प्रधान ई बाबा साहेब बनौले रहलन। बहुत कुछ संविधान में बनौले हुए जौने के आज अगर नियम से चले तो बाबा साहेब को भी इतना वादा रहल। हम लोगन बदे भी कैले हुअन हमने बदे कि का ना कैलन पूरे देश बदे का ना कैलन ऐसन बाबा कुछ बनौले ना रहलन भैया हो। ई ना कहले रहलन लेकिन को हमने कहे कि ना थुआ अनपढ़ गवार जानकारी केहू के ना रहल 85-15 के नारा बाबा लगाए के आरक्षण में संविधान में लिख दे रहलन कि आज ना ले बदे के तुम तैयार हुआ लेकिन जिस दिन जग जाओगे उस दिन अपना ये आरक्षण ले के तुम उनके लड़के ले सकते हो। हकीकत में हम सब बाबा का आभारी है। ऐसा कोनो बनावट बात ना हो आवत ही भाई अब आई वहाँ भाई काहे घबरात हुआ इंतजार थोड़ा से कल जला वह लाइन पे आई ये भैया हो तई सब फिर आप लोगों के समझदारी के बात बतावे जा थी ला फिर भैया जैसे बदलिया हम बदल ले। एक दिना भगवान नारद चल गई लंका में जाने ला जहिया नारद कुछ ना पावे हड्डी फेंक दू कुकुल लड़ावे। एक दिना लंका में पहुंच गई लन मंदोदरी रावण का पत्नी भगवान नारद के देखलस आई गई ला बाबा जाए के पैर धैलस कमरा बिछाए के बाबा का आसन लगो उलस। मंदोदरी से नारद भगवान कल काहे चिड़चिड़ाते हो भैया तेरे भैया देखलन नारद भगवान बैठल हुवन मंदोदरा बैठल हिन वहां बैठ के पूछत हुवन नारद भगवान के और हाल चाल कैसे हो कैसे बीतत हो। मंदोदरी बतौलिन की का बताई बाबा हाल चाल कम हलचल ज्यादा भयल। कैसन हलचल बतैबू अपन परेशानी मंदोदरी बतावत थी बड़ी समझदार बात बतावे जाती अपन परेशानी मंदोदरी बतावत थी का बतौले हिन भैया भाव तेरी में हवा चरानिया हो नदनिया कबले करी है हो साजाना। मंदोदरी बतावत है वो नारद भगवान से कि सही बाबा जवन कुछ कमी है हमारे पतिये देव में हो। भैया भैया कौन कौन कमी हो का कमी हो तुहरे पति में। मंदोदरी बतावत थी कि बतावत है बाबा आगे बात हमारे सुना तैयारी में बा भैया
कवन नदानी करत हूँ बतावा कहले बाम हरि भगवान नारद से बोल ला मंदो धर गुजरिया मंदोदरी अपन परेशानी भगवान नारद से बतावत है। ये बाबा हमार पति इतना राढ़ी भगवान कि घरे से निकल जाना शिकार खेले छह महीना के बाद घरे आवेल मंदोदरी बतौल नारद भगवान का इतना दिन गायब रहे ना कहा हाँ आज कहे अगर एक दिना घरे से गायब है ना दूसर के दिना कहे आदत तो और खराब हो गई कहाँ गड़बड़ा गल हो कहा कर तू मोबाइल तुरंत चेक कर ले फालतू नंबर तो कौन ना न हो जानत हुआ कि बियाह हो जात हो बियाह पड़त खाली देख ताक हो जात हो लड़की लड़का में मोबाइल का नंबर का आदान प्रदान हो जात हो नंबर का आदान प्रदान हो जात हो बात होवे लगत हो बात होवे लगत हो ए भैया हो यहाँ वहाँ तू हमार जान हो तू हमार जान हो कतु हमार जान हो इतना प्यार दोनों करत हुआ अच्छा पहले के प्यार में का रहल दादा लोग रहे तो कहाँ का रे फलनिया फलनवा के भाई कहाँ है रेरी मार और प्यार ऐसा रहा कि जिंदगी भर बढ़िया बनल है आयात तो हो जाती जानू तोरे बिना हम ना जिए कैसे रहब इस सुख के मारत हुआ साल भर पूरा बारह पूरा सौ साल का प्यार साल भर में पूरा करके दूसर के साल में तलाक देके खाली हो जाते कुल प्यार हट जात हो भाई बटन रहा एक घंटा टीपे के हो एक घंटा टीपा तब ले अब तक टच वाली हो गई तुरंत चरगरी अंगुरी घोला ने की जाके घस से लग गई यही तरह झटके में थे लड़का ले ले रहा मोबाइल टीपते टीपत वो मोबाइलिया जाके नंबरवा लगल थाने में दरोगा साहब के हम दरोगा साहब कहे हेलो कौन हो लड़कवा पतीले रात में कहे हम हैं पूछा था लड़कवा आप कौन बोल रहे हैं दरोगा साहब कहे कि हम दरोगा साहब बोल रहे हैं थाने से लड़कवा कहला अच्छा दरोगा साहब बोलो तो तब तक डंडा ले ले होगा कहल के हाँ लड़कवा पूछा था दरोगा साहब से कि तब तक डंडा ले ले होगा दरोगा साहब कहना हाँ डंडा तो लिए हैं लड़कवा कहा तब वही अपने पिछाड़ी में घुरे से मोबाइल काट के तुरंत गायब हो गया लड़का दरोगा उस समय बड़े भीड़ में रहना बड़े भीड़ में रहना बाद में कहना कि कौन लड़का बदतमीज डाली कैसन नंबर पर ख्याल कैले रहने साझी के जब खाली भई ना साझ के जब खाली भई ना दरोगा साहब तब कहा यही नंबर पर पहले जांच करी कौन रहल कहाँ कहाँ उसे पूछी अब नैया फोन लगाऊ ना तो नैया उठा ले लड़कवा कमाई
अब पूछना कि हेलो जी, अब यार से पतीला राग में बोला, हाँ कंवर क्या है? पतीला राग में बोला छे नहीं, क्या बात है? है जी, हम दरोगा बोल रहे हैं। बतरिया कहते तो ठीक है, तो हाँ, तो हम का कहते ना, क्या बात थी? हाँ, इसी नंबर से फोन आया था, एक लड़का फोन किया था। कहाँ? हाँ कैले रहो, लेले रहो, घुमावत तम और कुल लाख गल हो कतो। कहाँ नहीं, बड़ा बदतमीजी बोल गए, बड़ा बहुत बदतमीज लड़का हो, बड़ा गलत बोल गल। कहाँ कहाँ बात थी, कहाँ कहना से लड़कवा? पूछना कि हम इतना काली के दरोगा हो, हम दरोगा बोल रहे हैं। लड़कवा कलश की तब तो ठीक हो, तब तो डंडा भी लिए होंगे। तो कहाँ है? तो कहाँ फिर कहाँ उतने में ना हो कलश की डंडवा, तो वही अपने पछड़िया में घूरे सिला। लड़कवा का माए कहते तो डंडवा निकरल गिना। दरोगा साहब तार से फोन काट कर उसे बदतमीज तई हो, इन्होंने से बची उन्हें ठीक ना। ये आखिरकार में यार मंदोदरी बताओ छिंगारो भगवान से कि छह महीना गायब रहल, छह महीना गायब रहल। कहे हाँ मंदोदर नारद कहलन कि तब एक हम उपाय बताई हमारे मनबू। कहना कि बाबा कुछ भी करे के हो मानव, आज का जमाना हो गए तनिको गड़बड़ात हुआ मन से धू मेहरारू हर उपाय करत थी तो ओझा के बाबा हो कहीं मारी मारे न हो। तैसे बबो हम सो सा के जा है पुर्जी ले जाके ईटा करे सीढ़ी करे दबा दी हम मन है। अरे भैया कौनो को ही में तनी झूठ कपास लह जा था जाए के गोड़ पर के अरे बाबा प्रभु तो मानत हो। अब तो इतना पूछा कि एकदम हमसे ना देखो तो तू तो रह ही नहीं जाता हो, और कौनो हम कहो ले जाए गदहा छान पिया दे। यही में हमारे क्यों मन नहीं बा उसे बताई तो ना इतने धोबी जते चाहत रहा कहे गदहा तू करा गदहा छान चा तो क्यों मांगा था। कहे हाँ देव तो जरूर लेकिन तो से ही तैसी में माने तू हमारा बहुत खास हुआ, बहुत मित्र बढ़िया हुआ, ऐसे तो हम 500 रुपया ले पहले सारे यहाँ से कोई रसरी का 500 ले में धीरे से चल गई ना। बड़ी बड़ी उपाय हो लेकिन है सुना नारद कर बतावत हूँ मन का करे हूँ कभी नहीं चला रहा। अरे राम तेईस बढ़ा लाऊ रहा ये भैया नारद बोलन मधुरी पतिया सुनिला है हमारे भैया सर्वेश, हमारे भैया प्रकाश का दौरा लोगन दौरे तो सरपूत हूँ आपके कर कमलों बाराम 21 रुपया प्रदान भल भैया के सौ सवार प्रणाम साथ साथ सब भैया लोगों को प्रणाम नमस्कार हो। भैया हो आखिरकार में नारद बतौलन की हमारे के बात मनबू का कौनो उपाय बतावा। बात माने कहत हुआ अगर कत्तो तपस्या करे कोई पनियों में खड़ा होगा तो चल के करब, लेकिन कैसो ही मर की रहना सुधर तो जाओ का वही जाए के जंगल में करो थो हमारे समझ में ना आवत। कहना कि ठीक है तो एक काम करिहा दिनवा भरे हर वार आया संझवा के जब उनकर आवे के बेला होई
तो वही घरवा में जाए के अपने महलिया में जाए के चदरा तान के सुच जाया। जब दुआरे आ जाइए तो लगा कहरा लगा चिल्लाए भैया बंदोदरी है बात देखत देखत तबले घूमरत अपन में कहरत दिया समझ गए कि नारद रावण के आवे के बेला हो गए बा अपने सुख वही को खटिया पर हाथ गोड़ पीटे थे खटिया पर हाथ गोड़ पीटे थे रावण पहुंचला रे ए मंदोदर सिंगार करके आओ ना मंदोदरी यार अरे माई हो आई हो आई हो अरे का भेल कैसा पहुंच गेल के रे मंदोदरी का भेल तो के का स्वामी नारद बतौले रहन लिखे बहाना कालन की का भेल मंदोदरी कालज की स्वामी जिनकी बची ना कहला कैसा ता जिनकी बची ना रावण करे कोनो उपाय उपाय है हो कि जटायु संपत्ति का करेजा लिया के देबा तब तो जिंदगी बची नहीं तो ना बची। अब बड़ी आफत भई ए भाई रावण क्रोध में हो गए करे पगली अरे इंद्र का इंद्रासन मंगले होती तीनों लोक मंगले होती चंद्रमा मंगले होती सूरज मंगले होती लिया के दे दे अरे चिड़िया चुनमुनिन का करे जाते मांगे थे हमसे आखिरकार में इतने तो बात मिला रावण सुन के अंगार हो गए। जब अंगार भल तो कहे जब तो के यही मिला ना तो जिंदगी बची तो हम तो के लिया के देव अगर देवे के बात मिला तो चौलरिया में बात आ गई भैया रहल भैया आप लोगों के लाइन पे तई से तर्ज असलियत में आवा ओरिजिनलिटी का करी हो लेकर चलो तो सानन रामा बस करा बोल।